भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्य ने बुधवार को नगर निगम गेट से एक विरोध जुलूस निकाला। यह जुलूस नगर निगम से निकलकर कलेक्ट्रेट चौराहा पहुंचा, जहां मोर्चा के सदस्य ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नवजोत सिंह सिद्धू के विरोध में जमकर नारेबाजी की। युवा मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू वहां के आर्मी चीफ से गले मिलकर अपने देश के जवानों के मनोबल को गिराने का काम किया है। इतना ही नहीं, सिद्धू ने अपने बचाव में जो बयान दिया है वह भी काफी निंदनीय है। मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू ने अगली बार इस तरह का कुछ भी कृत्य किया तो भाजपा और देश के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रंजीत राय बड़े ने कहा, जब एक तरफ देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मृत्यु पे पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, तब पंजाब सरकार के मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू, पाकिस्तान जो हमारा हमेशा से प्रतिद्वंदी रहा है, हमेशा से हमारा विरोधी देश रहा है, जिसके सैनिक आए दिन हमारे सैनिकों पर हमला करते हैं, उस देश के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में नवजोत सिंह सिद्धू जाते हैं और वहां पे जाके उसके पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ गले से गले मिला के अपने खुशी का इजहार करते हैं, जो कि घोर निंदनीय है। जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ आए दिन भारत में घात लगा के भारत के सैनिकों पर हमला करता है, भारत के सैनिकों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से देश के सम्मान को बढ़ाने का काम करती है। हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। हमारे देश के सर्वमान्य नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मृत्यु पर हमारा देश शोक में डूबा हुआ था। उस समय एक तो सिद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं और वहाँ से जाने के बाद जब भारत आते हैं तो उनके द्वारा ऊंची बयान दिया जाता है कि भारत का दिल छोटा है। मैं सिर्फ इस विरोध कार्यक्रम के माध्यम से सिद्धू को बताना चाहते हैं कि आप भारत के पहले नागरिक हैं, उसके बाद कांग्रेस के नेता हैं। अगर आगे से आप इस तरह का बयान देंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आपको घरों से निकलने नहीं देगा और आपको भारत में रहने नहीं देगा।